और मैं पिछले कई सालों से इसके भी स्कूल के मंच पे पहुंचने की ट्राई कर रहा था। तो सर उन्होंने बोला अर्जुन सिंह जी, तो मैंने एक बार सोचा किस तरह से मेरे को बुला रहा है, हाँ जी नहीं पर अर्जुन सिंह जी, तो मैंने कहा यार मेरा नंबर आ गया। वो मोमेंट बहुत बड़ा प्राउड फील वाला था जी। सवाल तो बेसिक करंट अफेयर्स के बेसिक नॉलेज की थे, जो आम बंदा को पता ही होता, मैं भी जो बंदा फिल्में देखता है, टीवी देखता है, न्यूज और पढ़ता है, तो उनको मोस्टली लोगों को सवाल तो आते ही है। थोड़ा बहुत देखो आपके मन में ज्ञान तो कहेंगे, मतलब कोई बात पढ़ लेता अखबार में तो कहेंगे सब जाते हैं, उसी नॉलेज को मैंने आगे बढ़ाया, उसी भी आप में 3,20,000 तक पहुंच पाए। जी मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं लुधियाना में ओम बिकाई स्वीट शॉप का ओनर हूँ, और मैं पिछले 23 सालों से इसके भी स्कूल के मंच पे पहुंचने की ट्राई कर रहा था, और कहीं ना कहीं हर बार थोड़ा पीछे रह जाता था, लेकिन इस बार 2023 में सीजन 15 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं केबीसी की ओनरशिप पे पहुंचा और गेम खेल के आया और सर से मिल के आया। ये प्राउड मोमेंट जो है मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा छाया रहेगा जी, ये अमित साहब कभी छूटेगी नहीं। आप अमित जी के कितने बड़े फैन थे कि जो आप बार बार ट्राई कर रहे थे? जी अमित जी तो देखो मेरा आप हम जैसे लाखों लोगों के आइडल है, एज ए स्क्रीन पे हम उनको शेयर करते हैं देखते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे समझता हूँ कि मेरा नाम भी अर्जुन एस है तो वो भी एस अमिताभ है, तो कहीं कहीं वही मन में कनेक्टिविटी वाली बात होती है कि नहीं यार इस बंदे से मिलना चाहिए, ये बंदा मेरे नाम राशि है, तो उसी के भी आप मेरे मन में उनके प्रति और इज्जत मान सम्मान बन गया था, और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, देखता भी हूँ, फिल्में भी देखता हूँ, और उसी की तरह मैंने केबीसी गेम शो स्टार्ट हुआ तब मैंने मन में सोचा रहे इनसे मिलना चाहिए, इनके शो में जाना चाहिए, ट्राई भी की पर पहले इतना मौका नहीं मिला, ट्राई खूब करते रहे, इस बार जब मौका मिल गया तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। अच्छा जब हॉट सीट के लिए आपको आवाज आई, जब आपने आंसर दिए उनके हॉट सीट पे जाने के लिए, तो कितना का मूवमेंट था उसमें? जी जी जब उन्होंने सवाल पूछा मेरे से और उसका मैंने दिमाग में क्लिक कर दिया हाँ मैं इसे आंसर दे सकता हूँ, और मैंने दिया भी था और 4.82 मिलीसेकंड में मेरा आंसर सही था और बाकी कंसेशन मेरे काफी पीछे थे। तो सर उन्होंने बोला अर्जुन सिंह जी, तो मैंने एक बार सोचा किस तरह से मेरे को बुला रहा है, मैं कोई हाँ जी नहीं बोला अर्जुन सिंह जी, तो मैंने कहा यार मेरा नंबर आ गया, और वो मोमेंट बहुत बड़ा प्राउड फील वाला था जी। अच्छा तो अगर बात करें कि जो सवाल दिए लखपति बन के आए, किस तरह के सवाल थे वो? जी सवाल तो बेसिक करंट अफेयर्स के बेसिक नॉलेज के ही थे जी, जो आम बंदा को पता ही होता है, मैं भी जो बंदा फिल्में देखता है, टीवी देखता है, न्यूज और पढ़ता है, तो उनको मोस्टली लोगों को सवाल तो आते ही है, थोड़ा बहुत देखो आपके मन में ज्ञान तो कहेंगे बंदा कोई बात को पढ़ लेता अखबार में, टीवी में, न्यूज में, तो कहेंगे छप जाती है, उसी नॉलेज को मैंने आगे बढ़ाया और उसी भी आप में 3,20,000 तक पहुंच पाए, तो उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? उससे आगे एक सवाल जो था जो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि इसका आंसर यही है, सर ने बोला भी था कि आप अगर नहीं लगता लाइफ लाइन यूज कर सकते हो, पर मैंने कहा जी सर मैं लीज रिस्क पे हूँ, अगर मैं गलती हो गया तो कोई बात नहीं, मैं हारूंगा नहीं ज्यादा और मैं इस जो मेरी लाइफ लाइन आगे यूज करूंगा, और मैं उसको आंसर दिया पर वो इतना से गलत हो गया। आपका मिठाई का काम है क्या, आप बच्चन जी के लिए कुछ लेके भी गए थे? जी 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 मिठाई तो मेरी मेन मिठाई से तो मैं बनाऊं, मिठाई के अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता, तो सर के लिए तो मेरी दुकान की स्पेशल मिठाइयां हैं, घेवर है मेरी दुकान का, मेरी दुकान की बेसन बर्फी है, इसको दिल खुशहाल बर्फी कहते हैं हमारे मारवाड़ी भाषा में, तो वो मैं सर के लिए अपनी तरफ से हाथों से बनवा के लेके गए और सर ने खाई भी है, और इवन अब तो टीवी में जिस दिन मेरा एपिसोड आया उस दिन वो क्लिप में दिख भी रही है, मैं सर के लिए हाथों से बना भी रहा हूँ, तो सर ने खूब चाव से खाई, और वहाँ की टीम से मेरे को मैसेज बाद मिला कि सर ने आपकी मिठाई को घर ले जाके टेस्ट किया और उनके बहुत ज्यादा सेकंड डे सेट पे आए, तो तारीफ भी की उन्होंने। अच्छा वहाँ पे ऑडियंस भी थी, वहाँ पे क्या ऑडियंस के लिए के भी लेके कुछ किए थे आप? जी जी ऑडियंस ने मेरी मदद की थी, जब मैंने एक सवाल पे मैंने अटक किया था, मेरे को लगा यार इसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, शायद गलत ना हो जाऊँ कहीं नीचे ना गिर जाऊँ, तो मैंने कहा मैं ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा, तो सर ने बोला जी, तो उन्होंने ऑडियंस ने एक मिनट में सही उसका आंसर दे दिया, उसके बाद मैंने कहा सर अब रुकिए मेरा थोड़ा फर्ज बनता, बोले क्या काम क्या कहना चाहोगे, मैंने कहा ऑडियंस ने मेरी मदद की तो मैं भी इनका अपनी तरफ से मीठा मुँह कराऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की मिठाई की दुकान है और मैं मिठाई का थैला भर के लेके आया ऑडियंस के लिए, बोले अच्छा जी आप मिठाई ऑडियंस को खिलाओगे, मैं कहा जी, तो सब ऑडियंस का मैंने अपने हाथों से मीठा मुँह करवाया, लोग बहुत खुश हुए, और सर ने पूछा भी ऑडियंस से कि सच बताना मिठाई कैसी, ऑडियंस का सर लाजवाब है लजीज है, और वो सब लजीज वाला है ना दिमाग में आज भी गुजरे थे, सर कह रहे लजीज लजीज बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा तो अमिताभ जी के साथ जो मोमेंट साझे किए, तो दोबारा अगर मौका मिलता जाना चाहोगे? जी देखो जो बंदा एक बार हॉट सीट पहुंच गया उसको तो उस नंबर से तो चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा सारा बैडेट उनके पास चला गया था, आप खेल के आ गए, अब आप अपने परिवार के मेंबर को ट्राई करो, जूनियर भी इनका आता है, उसके लिए मैंने बेटे को ट्राई करवा रहा हूँ, बेटा पढ़ने पे ठीक है और हो सकता है बेटे का नंबर आ जाए, क्योंकि इस बार बेटे का 3 राउंड तक नंबर आ गया था, पर दिवाली के सीजन करके मैं थोड़ा इसमें बिजी हो गया, तो मैंने कहा कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, अभी बच्चा 13.5 साल का है, 2 साल उसके पास है, 2 सीजन में वो पहुंचने का मौका उसको मिल सकता है, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा वो पहुंचे।